नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत दुष्यंत प्रताप सिंह और आपका स्वागत है डीसी शो में। एक ऐसा शानदार शो जहां पे कि हम और आप बात करेंगे देश और विदेश की जानी मानी शख्सियतों से, जिसमें कला जगत से लेके समाज के बड़े बड़े धुरंधर मौजूद रहेंगे। ऐसे लोग जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं, जिनसे आप बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको उनके कुछ निजी राज मालूम है? नहीं। क्या आप जानते हैं कि वो नॉर्मल लाइफ में कैसे बिहेव करते हैं? नहीं। तो हम आपको इस शो में उनके इन राजों से परिचित कराएंगे। आज हमारे साथ ऐसी एक शख्सियत है, एक ऐसा अदाकार जब वो पर्दे पे आता है तो कई लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन वो पर्दे पे जितने खतरनाक दिखते हैं उतने ही खूबसूरत वो अपनी निजी जिंदगी में है। कला से लेकर, अभिनय से लेकर, मॉडलिंग से लेकर उन्होंने कला जगत के तकरीबन सभी आयामों को छुआ है। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी आर हैविंग अ ग्रेट पर्सनैलिटी और हमारे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की एक शानदार शख्सियत, द वन एंड ओनली शावर अली। प्लीज वेलकम शावर जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत डीसी शो में। Good afternoon, sir. How are you, Dushan sir? All good? All good, all good. Shavar bhai, and as usual, you are looking rock. और हम लोग प्रेम से बोलते हैं कि Shavar Ali is like, you know, a Greek god type का, Greek जो पुरानी यूनानी कहानियों में जो देवता होते थे, तो ऐसा लुक आता है आपका। Thank you so much, sir, and thank you so much for a lovely introduction. सबसे पहले जो जब कहते हैं ना, जीवन की शुरुआत होती है जब आप पैदा होते हैं, तो कुछ जी। आप अपने बारे में बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई, आपका लालन पालन कैसे हुआ? सर, मैं भोपाल शहर का हूँ, जैसा कि आप जानते हैं भोपाल शहर में मेरी पैदाइश हुई है। और बहुत ही अलग किस्म का मैं एक बच्चा था। फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था, तो हमेशा मैं स्कूल जाने के बजाय थिएटर में जाया करता था और फिल्में देखा करता था। ये घर वालों को बात मेरे पता नहीं थी, लेकिन एक लगाव था अंदर से। और मैं जब भी सिनेमा के अंदर घुसता था और जब स्क्रीन पे जब लोगों को देखता था, तो हमेशा मुझे लगता था कि मैं भी उधर हूँ। एक एक बचपन से ये मेरे अंदर चीज थी। और मुझे नहीं पता था कि मैं शायद कभी बॉम्बे जाऊंगा और बॉम्बे जाके वहां पे एक अपना जो भी छोटा मोटा मुकाम मैंने हासिल किया है वो पाऊंगा। लेकिन मैं जरूर कहूंगा, मैं ज्यादातर स्पोर्ट्स में था और फिल्में देखने का मुझे बहुत शौक था। हॉकी खेलता था मैं अपने स्कूल की तरफ से, और कहीं ना कहीं मेरा एक ड्रीम भी था कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ हॉकी के अंदर। लेकिन वो ड्रीम तो पूरा नहीं हुआ सर। लेकिन बोलते ना, ऊपर वाले ने आपका कुछ अलग ही, आपकी स्क्रिप्ट पहले से लिखी हुई होती है, तो उसने मेरी स्क्रिप्ट कुछ अलग लिखी थी और मैं 2000 में बॉम्बे चला गया। बहुत खूब। जैसे आपने मुझे बताया कि बचपन में फिल्म देखना या देखना, तो हम सबके जो हमने जो एरा जिया है जीवन का, एक बड़ा शानदार सा लम्हा अधिकांश के जीवन में है कि स्कूल बंक करके पिक्चर देखने गए और अचानक एक टॉर्च की रोशनी पड़ी कि चलो बाहर मम्मी और पापा खड़े हैं, फिर जो संटी लेके, तो जी 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 सर, एक दो बार मार पड़ी है क्योंकि मेरे स्कूल से शिकायत आई कि आपका बेटा आता नहीं है। और घर वाले सोचते थे कि ये तो स्कूल जा रहा है। तो हमारे स्कूल के बाजू में ग्राउंड था, तो अक्सर मैं क्रिकेट खेलने लगता था, हॉकी खेलने लगता था। लेकिन मुझे स्कूल जाने का पता नहीं क्यों शौक नहीं था इतना, पढ़ाई के अंदर मेरा इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह से बीकॉम कर लिया। तो ड्यूरिंग स्टडी कोई, मैं दो ऐसे लम्हे आप मुझे बताइए जो कि एक आपका सबसे थोड़ा यू नो, एक कभी होता है हम लोग इमोशनली बड़े हर्ट हो जाते हैं और एक होता है जब बहुत खुशी का लम्हा होता है हमारे लिए, तो दो लम्हे मुझे आपसे जानने हैं। जो एक जो सैड लम्हा था कि मैं हॉकी खेलता था और इंटर कॉलेज का सिलेक्शन होने वाला था और मैंने ट्रायल दी और मेरा ट्रायल भी अच्छा हुआ था और हमारी टीम जाने वाली थी ग्वालियर, और मुझे खेल से ज्यादा था कि मैं पहली बार ट्रेन में बैठूंगा, उसका ज्यादा मुझे वो था कि मैं ट्रेन में बैठ के ग्वालियर जाऊंगा, वहां पे होटल में रुकूंगा, होटल में रुकेंगे। लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ सर, तो मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो गया, बड़ा दुखी हो गया। तो उस दिन से मैंने हॉकी को साइड में रख दिया, मैंने कहा भैया ये नहीं खेलना यार। लेकिन वो आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो वो बहुत अच्छा हुआ सर, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। Absolutely. क्योंकि ऊपर वाले ने कुछ मेरे लिए अच्छा सोच रखा था। और खुशी वाले माहौल तो सर बहुत सारे हैं, जैसे कि जो मेरे लाइफ में सबसे खुशी का माहौल था सर, मेरा मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में गया था मैं। Yes. ग्रासिम मिस्टर इंडिया कॉन्टेस्ट में गया था
ये 2000 की बात है, 2019 की बात है। तो पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था और वहां पे मुझे बेस्ट फिजिक का अवार्ड मिला था, और उसके साथ अवार्ड के साथ मुझे 25,000 रुपए कैश भी मिला था सर, ओह दैट टाइम इज इट्स अ जो वेरी बिग हाँ अमाउंट, उस वक्त आई थिंक बहुत बड़ा अमाउंट था वो। बहुत बड़ा अमाउंट। तो मैंने सोचा कि यार इधर आया मैं फ्लाइट में, 5-स्टार होटल में रुका, और एक ही दिन में मुझे 25,000 रुपए दे दिए इन लोगों ने। मैंने ये कहा तो ये काम बढ़िया है। एवरीडे हाँ, मैंने कहा ये काम बढ़िया है। तो सर मैं आया, अपना बैग वैग पैक किया, घर वालों से बोला मैं जाना चाहता हूँ, घर वालों ने मुझे पूरा सपोर्ट करा और मैं ग्रेट। सीधा 2000 में बॉम्बे शिफ्ट हो गया सर। नहीं ये तो बात है कि जहां जब आपका परिवार आपको सपोर्ट करता है तो हम एक फिर एक ऐसा शक्ति का समूह बन जाते हैं। करेक्ट हमारे करेक्ट जो करेक्ट हौसले हैं, करेक्ट हमारा जो जो अंदर का जो करेज है वो जस्ट जी, डबल हो जाता है। यस तो सर, वेरी ऑलमोस्ट ट्रू, लाइक वेरी इन द ट्रू। सेम सेम सेम। बट घर की अगर हम बात करें तो आप सबसे ज्यादा क्लोज अपनी फैमिली में किसके रहे हैं? सर आई वॉज वेरी वेरी क्लोज टू माई मदर। पापा से थोड़ा सा, क्या आपको पता है कि अपन मिडिल क्लास फैमिली और जो कंजर्वेटिव फैमिली में पापा का एक लिहाज होता है, उनके सामने आप ऐसे नहीं बैठ सकते, झुक के टिक के नहीं बैठ सकते हैं आपको, ऐसा। तो पापा से एक लिहाज था। मम्मी से आई वॉज वेरी क्लोज, और मैं बहुत ही करीबी था, एंड मैं अपनी छोटी बहन है एक मेरी, उससे भी मैं बहुत करीबी हूँ सर। मम्मा की बात आई है और जी जी कहते जी हैं कि जी सृष्टि में ना जननी सर्वश्रेष्ठ है। जी 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 माँ सत्य है, पिता एक अवधारणा, लेकिन माँ सत्य है क्योंकि आपने उसकी जी कोख से जन्म जी लिया है। दोनों का तो अलग अलग मुकाम है सर। मम्मी के साथ आपका सबसे इमोशनल लम्हा अगर आप कोई शेयर करना चाहते हो तो सबसे इमोशनल। मम्मी के साथ बहुत सारे हैं सर। जब मैं बॉम्बे जा रहा था तो शी वॉज क्राइंग, और जब भी मैं यहाँ पे रुकने आता था, जब भी मैं जाता था तो शी यूज टू क्राई हमेशा। लेकिन बहुत सारे मोमेंट्स हैं सर उनके साथ। मतलब मैं आपको कहूँ तो पूरा एक पूरे दिन भर लग जाएगा उसके लिए। लेकिन मेरी मदर को पसंद नहीं था कि मैं बॉम्बे में रहूँ, बोला नहीं उन्होंने आज तक, लेकिन वो चाहती थी कि मैं वापस आ जाऊं और मेरे साथ रहे। और कहीं ना कहीं मुझे, अगर आप पूछें माय मदर एक्सपायर 2 years back, तो मुझे आज लगता है कि शायद मैं कुछ साल मम्मी के साथ यहाँ पे उनके साथ में रहता तो मुझे बहुत अच्छा लगता और बड़ा मुझे दिली सुकून मिलता। लेकिन वो बड़ी खुश होती थी जो भी मैंने अचीव किया है, जो उनके मेरा काम देखती थी तो बहुत खुश होती थी, हमेशा दुआएं देती थी। तो जी सर, पापा के साथ सबसे स्कारी मोमेंट। 9th class में मेरी सप्लीमेंट्री आ गई थी, मैं फेल हो गया था, वाह सेम टू सेम। और पापा मेरे चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूं, और मैं वाकई पढ़ता भी बहुत था, लेकिन मैं एक्टिंग ज्यादा करता था, पढ़ाई कम करता था। पढ़ाई मतलब किताबें खोल के बैठा तो रहता था, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता था। पापा कहते थे पढ़ाई लड़का अच्छा कर रहा है, सब कुछ अच्छा कर रहा है, लेकिन सप्लीमेंट्री आ गई, अब मैं पापा के सामने जाऊं कैसे। तो वो दिन जरूर मुझे याद है कि मेरी पिटाई हुई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं जितना भी पढ़ूंगा, अभी मैं अच्छे से पढ़ाई करके बीकॉम मैंने अच्छे से किया सर। तो दर्शकों हमने शावर अली के साथ शेयर किए उनके बचपन के बहुत खूबसूरत लम्हे, उनकी माँ से जुड़ी कुछ यादें, उनके पापा के कुछ स्कारी मोमेंट, और उनसे बात की हमने उनकी स्टडी के बारे में। लेकिन अब बात आती है जिसे जानने में सबका इंटरेस्ट है, करियर। बिकॉज एवरीबडी नो अबाउट द एक्टर, बॉलीवुड हंक, द सुपर मॉडल शावर अली। तो शावर भाई एक मेरा सवाल आपसे कि जब आप ग्रैसिम मिस्टर इंडिया आपने विन किया, यू आर यू नो ऑफिशियली सुपर मॉडल इन इंडिया मेल, देखा जाए तो उस समय बहुत कुछ कुछ नाम हुआ करते थे, फिल्म फेयर से लेके बड़ी बड़ी मैगजीनों के आप फ्रंट पे जब छपते थे। अब तो वो टाइम ही प्रिंट का खत्म हो गया, लेकिन प्रिंट का जो नशा हाँ था वो कमाल का नशा था उस समय। वो लम्हा बताइए, वो लम्हा जिस जब आप बॉम्बे में सामान लेके आए तो जो एक हफ्ता था आपका वो कैसे गुजरा? सर, एक्चुअली जब मैं बॉम्बे गया था तो बारिश हो रही थी, मानसून का टाइम था और बारिश हो रही थी। मेरा एक दोस्त था टाटा टी में जो काम करता था, उसके घर जाके मुझे रुकना था, फिर जाके घर देखना था, फिर शिफ्ट होना था। लेकिन एक्चुअली मैं एक हफ्ता बड़ा डिप्रेशन में था सर, मैं बहुत रोया भी, और आई वॉज वेरी डिप्रेस। एंड मैंने कम से कम 1,000 बार सोचा होगा कि मैं वापस चले जाऊं, लेकिन यहाँ पे इतना माहौल बना दिया था भोपाल के अंदर के शावर अली अब तो बॉम्बे गए हैं, कुछ करेंगे बनेंगे, वो प्रेशर था।
दोस्त लोग छोड़ने आए छोड़ने आए, और होंगे हाँ, एयरपोर्ट पे तो व्हाटएवर। वो साला बैगेज ऐसा था कि मेरे दिमाग में बहुत बार सोचा कि मैंने कि सब भाड़ में जाए, मैं तो वापस जा रहा हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है, घर में बैठे हुए आप किसी शहर में किसी को जानते नहीं है, वो भी किसी दूसरे के घर में बैठे हैं आप, और दोस्त हैं नहीं आपके, कहाँ जाएं, क्या करें, किस तरह से। तो मैं बहुत ही डिप्रेशन में था एक्चुअली। लेकिन सर जैसे ही मैंने पहला मैंने फैशन शो था मेरा किंग फिशर का, वो फैशन शो मैंने करा बैंगलोर के अंदर, लेकिन वो फैशन शो के बाद, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा सर। मेरी मुलाकात मिस्टर इंडिया में हो गई थी, पूजा बत्रा से हो गई थी, वो सब जजेस में बैठे थे, और अपना हेमंत त्रिवेदी, मिलिंद सुमन, बहुत सारे लोग थे, और हर आदमी ने मुझे बोला था आप बॉम्बे आइए, यू हैव वेरी यूनिक फेस, यू लुक वेरी डिफरेंट, और आप बॉम्बे में बहुत अच्छा करेंगे। तो पता नहीं क्यों वो लोगों की बातें जो थी उससे एक कॉन्फिडेंस आ गया था मेरे अंदर। तो मुझे पहला शो भी हेमंत त्रिवेदी के साथ मैंने किया था ग्रेट। बैंगलोर के अंदर, किंगफिशर का था। तो वो शो के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसके बाद मेरे काफी शोज किए सर मैंने। फिर अचानक से ये सुपर मॉडल, ये एक मॉडलिंग का एक उस समय का बड़ा एक बेताज बादशाह, ये एक्टिंग में कैसे आपका नाम हुआ? सर मैं बताता हूँ, 2004 की कहानी है, मनीष मल्होत्रा का शो था, और राजीव राय आप जानते होंगे, जो हमारे यस डायरेक्टर हैं यस यस राजीव राय, ऑफ त्रिदेव कोर्स, यस यस मोहरा, और उन्होंने जी बहुत जी सारी पिक्चरें वो बनाई। बहुत जी वो एक दो लड़कियों की तलाश में थे, एक तो उनको एक हीरोइन की दोस्त चाहिए थी, और एक और लड़की चाहिए थी उनको, दो लड़कियों को। तो एक हमारा दोस्त है विपुल भगत, जो मेकअप आर्टिस्ट है, तो जी उन्होंने जी वहां पे उनको इनवाइट किया था कि बड़ा अच्छा शो है, बहुत बड़ा शो है मनीष मल्होत्रा का, सारे सुपर मॉडल वॉक कर रहे हैं, और सारी लड़कियां जो मॉडल हैं वो वहां पे आपको दिख जाएंगी आपको दिख जाएंगे अपना। यस जी। तो राजीव राय वो शो देखने आए थे सर, तो मेरे लंबे लंबे बाल थे, थोड़ा अलग दिखता था, तो राजीव राय को कोई लड़की पसंद नहीं आई, मैं पसंद आ गया, और मुझे, हाँ, लड़का लड़का पसंद आ गया। तो दूसरे दिन उनके ऑफिस से कॉल आया कि शावर, राजीव वॉन्ट्स टू मीट यू। तो मैंने कहा भाई कौन राजीव? राजीव राय जो फिल्म डायरेक्टर, मेरा इतना इंटरेस्ट उस टाइम नहीं था एक्चुअली, क्योंकि यस मैं सुपर मॉडल था और सारे अवार्ड्स मिले थे, मुझे अच्छा कर रहा था मैं सब कुछ। आई नो। तो बट मैंने सोचा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं यार, और एक्चुअली एंड ऑफ द डे तो सर मूवीज करना है, मॉडल का क्या होता है मूवीज। तो मैंने राइट कहा बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, फिर मैं उनसे ऑफिस मिलने गया उनको, ना उन्होंने कोई मेरा ऑडिशन लिया ना कुछ लिया, रोल सुनाया, मुझे रोल भी पसंद आया, और कहा कि 2 महीने तक स्विट्जरलैंड में शूट है। मैंने कहा 2 महीने स्विट्जरलैंड में? मैंने कहा चला यार। तो वाह मतलब आई वाज टेकिंग लकी थिंग्स वेरी मैन। लाइटली सर, जैसे आज होता है ना, आपको मूवी मिलती है, आप एक्टिंग क्लासेस करते हैं, डांस क्लासेस करते हैं, फाइटिंग क्लासेस, पीपल आर एब्सोल्युटली वेरी सीरियस राइट नाउ, जो आज की जनरेशन है वेरी सीरियस। यस तो उस यस टाइम पर मैंने आई टुक इट वेरी लाइटली, आई वॉज डूइंग माई शोज एंड डूइंग थिंग्स। मैंने कहा जाएंगे, हिंदी अच्छी आती है, डायलॉग मिलेंगे, बोल देंगे, और क्या, यही तो एक्टिंग होती है। तो करेक्ट। हम लोग स्विट्जरलैंड पहुंचे सर, वहां पे देखा तो नसीर भाई, प्रियंका चोपड़ा, अर्जुन रामपाल, टॉम वॉल्टर, मतलब आप नाम लो बड़े बड़े एक्टर्स का, उनके सामने ले जाके मुझे खड़ा कर दिया, और आधा पेज का डायलॉग आ गया। मैंने कहा यार चलो यार, डायलॉग याद कर लिया, फिर वो डायलॉग बोला गया सा बोला गया, तो उसमें कहीं ना कहीं गड़बड़ें हो रही थी, और उस जमाने में सर अभी अपना वो नहीं था, कैमरे में वो स्टॉक लगा करता था, यस और यस 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 आई राजीव नो। टेरी पे और वो के, रॉ रॉ स्टॉक हाँ तो बहुत रॉ, एक्सपेंसिव था वो। जी एक जी डब्बा उस तो समय 18,000 रुपए का आता था, मुझे ध्यान है, मैंने बड़ा वाला, देखा बड़ा वाला, और 18,000 रुपए से एक राजीव, डब्बा आता था, और वो एक डब्बा जी टिर जी जी करके जी मुश्किल से यहाँ, 5 या 6 मिनट में खत्म हो तो जाता राजीव राजीव के पास 4 तो खुद के कैमरे थे वो वाले, और जब था। वो कैमरों की आवाज आती थी एक्शन, वो आदमी तो आधा वहीं पे खत्म हो जाता था, और फिर 3 4 अटैक हो जाए तो बोलते थे भैया स्टॉक जा रहा है, ये हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आज के जमाने में तो अपन डिलीट कर दो भैया, कुछ समझ में नहीं आया। एब्सोल्युटली इट्स ऑल ऑल इज डिजिटल। तो फिर मेरे समझ में आया कि ये भाई गेम अलग है, ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी अगर करना है सीरियसली। तो लेकिन सर एब्सोल्युटली मुझे राजीव ने बहुत हेल्प किया, मुझे नसीर साहब ने बहुत हेल्प किया, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने, फिर मैं क्या करता था, मेरा जो शूटिंग नहीं होता था मैं उन लोगों को देखता था कैमरे के पीछे, राजीव ने बोला तुम आ जाया करो शूट पे, नसीर भाई इन लोगों सबको देखा करो कि किस तरह से एक्टिंग कर रहे हैं ये लोग। यस तो यस फिर यस मैं देखता रहा, फिर मैं बॉम्बे वापस आया, फिर मैंने एक्टिंग क्लासेस कर ली, फिर थिएटर करा, फिर 2 3 4 वर्कशॉप कर लिए। मैंने कहा भैया इसको सीरियसली करना पड़ेगा। उसके बाद वो पिक्चरों की भी सर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं करा, ऊपर वाले की दुआ से जो भी थी वो मिलती गई, वो मैं लेफ्ट राइट सेंटर करता गया, और यस फिर मैंने साउथ की पिक्चरें करी हैं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा,
इंग्लिश पिक्चर करी है मैंने एक, तो सारी कुछ समझ नहीं आया। ऊपर वाले ने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी थी कि कुछ स्ट्रगल अभी तक समझ नहीं आया कि स्ट्रगल क्या होता है। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि सबसे खराब टाइम आपका कौन सा था, तो वो स्टार्टिंग के 10 दिन मेरे बॉम्बे के अंदर, वो मेरे फैशन शो से पहले के 10 दिन मैं बहुत डिप्रेशन में था बॉम्बे में। लेकिन आज अगर आप कहो बॉम्बे छोड़ दो तो बड़ा मुश्किल है सर। बॉम्बे ऐसी जगह है ना सर कि बॉम्बे में आप अगर 6 महीने रह लिए, फिर बॉम्बे को बॉम्बे की हर चीज आपको अच्छी लगती है। बॉम्बे का ट्रैफिक करेक्ट, तो आप शेयर अच्छा करिए। लगता है, बॉम्बे में जो स्मेल आती है वो भी अच्छी लगने लगती है आपको। एक और दिलचस्प क्वेश्चन, जब आप व्हेन एज अ मॉडल जब आप सेट पे जाते हैं तो यू आर अलोन, और आपके साथ एक कोई भी को आर्टिस्ट होती हैं, फीमेल या मेल जो भी होती है, वहां एक जेस्चर अलग होता है। स्टूडियो छोटा है, आप गए बहुत क्लासी तरीके से, एंड एंड फिल्मों का बिल्कुल सेटअप ही अलग है। वहां 150 से ज्यादा क्रू, ये सब चीजें सब रहता है पूरा सारा। तो जब एक सुपर मॉडल फिल्म शूट करने गया, तो ये जो एक जो जो डिफरेंस है दोनों जगह पे अपना, आई एम टॉकिंग अबाउट द हॉस्पिटलिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट द कोऑर्डिनेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्शन, वो आपकी जो फीलिंग्स थी अपने अंदर, वो एडजस्टमेंट आपके एज एन आर्टिस्ट, तो आपकी एक कमिटमेंट है, वो एक सेपरेट है, लेकिन आपके अंदर का जो मन था, जो होता है ना एक आर्टिस्ट का अपना, वो आपने कैसा महसूस किया और कैसे उसको एडजस्ट किया? सर, मॉडलिंग एंड एक्टिंग टू डिफरेंट थिंग्स, ये दोनों अलग है सर। मॉडलिंग इज इजी मनी एंड एक्टिंग इज हार्ड मनी। सर आप भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, सारी चीजें आपको पता है कि कितनी मेहनत करते हैं सर, कितनी मेहनत लगती है एक्चुअली फिल्म बनाने के लिए। लेकिन मॉडलिंग के अंदर क्या है, कपड़े पहनने हैं आपको, आपके अंदर यू आर गुड लुकिंग, यू हैव एटीट्यूड, वॉक करा, उसके बाद शो खत्म हुआ, पार्टी चल रही है, लोगों से मिल रहा है, माल्या विजय माल्या अंबानी के साथ पार्टियां चल रही हैं, एब्सोल्युटली, तो वो उसमें इतना हार्डवर्क नहीं है सर। बट फॉर एक्टिंग यू हैव टू डू लॉट ऑफ हार्डवर्क सर। आज के टाइम पे इतना सो मच कॉम्पिटिशन, आपको पता ही है कि यू हैव टू हैव गुड फिजिक, अच्छी फिजिक होना चाहिए, आप फाइट में अच्छे होना चाहिए, एक्टिंग डांस सारी चीजें आपके अंदर होना चाहिए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और लेकिन मॉडलिंग का एक अलग मजा है सर, क्योंकि मैं मॉडलिंग के थ्रू बहुत सारे लोगों को मिला, और मॉडलिंग के थ्रू मेरा जो नाम बड़ा इतना हुआ, लोगों ने मुझे पहचाना, तो सारी चीजें मुझे आज अगर मैं कहूँ कि वॉट एवर आई गॉट बिकॉज ऑफ मॉडलिंग सर। थ्रू मॉडलिंग, करेक्ट। मुझे एक और बात बताइए कि आपके एवरी ईयर शावरली, अगर हम सारी लैंग्वेज की बात करें, तो आपकी कम से कम बेयर मिनिमम भी अगर मैं ठीक हूं तो 6 से 7 फिल्में रिलीज होती हैं, सही टोटल हाँ सही सर, आप एड अगर करते हैं। एवरेज और एवरेज लगाएंगे तो 4 पिक्चर है तो मेरी होती है सर रिलीज। तो ये पेंडेमिक जब से लगा है, ये ऑलमोस्ट हम लोग सेकंड ईयर में एंटर कर रहे हैं, तो जी आपके सर, जी आने सर। वाले अपकमिंग्स कौन से हैं? सर मेरी अभी एक पिक्चर रिलीज हुई राधे, एक पिक्चर मेरी तेलुगु पिक्चर रिलीज हुई है वाइल्ड डॉग, और मेरी आने वाली पिक्चर है एक आपकी पिक्चर है सर जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बात करूंगा लॉकडाउन के बाद ही अपन ने वो पिक्चर स्टार्ट करी थी। वो है सर, एक मेरी पिक्चर है उसका नाम है मैं भी, जो मैंने भोपाल में शूट की है, चाइल्ड अब्यूज के, मेल चाइल्ड अब्यूज के ऊपर है। तो चार तीन चार पिक्चर हैं सर अभी आने वाली। दोस्तों, हम एक ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जिसने कि देश और विदेश के बहुत दिग्गज डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर सबके साथ काम किया है। सौभाग्यवश मुझे भी इस शख्स को कैमरे के पीछे रोल कैमरा एक्शन बोलने का मौका मिला, और बिकॉज आई एम वेरी न्यू, आई एम नॉट हैविंग अ दैट काइंड ऑफ नेम इन इंडस्ट्री एज एन अ बिग डायरेक्टर, एज एन अ बिग प्रोड्यूसर, बट जब मेरा इंट्रेक्शन इनसे हुआ, आई कॉल्ड हिम फॉर माई मूवी कि आई हैव वन रोल फॉर यू, अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी एंड इट्स माई प्लेजर, तो सडन ही इज नॉट इवन टेक 1 मिनट, फोन पे ही हम लोगों का नरेशन हुआ एंड ही इज रेडी। तो अब हम बात करेंगे अपने ओन एक्सपीरियंस की, द वन एंड ओनली शावर अली के साथ में। शावर भाई, आप मुझे क्या बताइए, एक नए डायरेक्टर ने आपको फोन किया, आप और सीधे हम सेट पे मिले थे फिल्म सिटी में, लगा करेक्ट करेक्ट, हुआ था पूरा सारा, हमारी मुलाकात ही तब हुई थी जबकि आप तो मेकअप भी कर चुके थे, तो हमारी दोस्ती फोन पे हो गई थी एक्चुअली। हमारी दोस्ती फोन पे हो गई थी। आप आए, तो आप जब आए थे सेट पे, तो आने से पहले आपका इस फिल्म को लेके या इस प्रोडक्शन को लेके या सेट को लेके बिल्कुल ट्रूली ऑनेस्टली क्या विजन था आपका? सर एक तो आपसे मेरी बात हुई थी, तो मुझे आप बात करने में आदमी थोड़ा समझ आता है, बहुत ही पॉजिटिव लगे आप। और उसके बाद जो दूसरी चीज थी कि मुझे जो नरेट किया आपने, मेरा रोल जो था मुझे वो बहुत पसंद आया। तीसरी जो बात थी कि
कि बॉम्बे में कोई शूटिंग ही करने को तैयार नहीं था बॉम्बे में, क्योंकि मैं उससे पहले चंडीगढ़ शूट कर रहा था, उसके पहले मैं मनाली शूट कर रहा था, लेकिन बॉम्बे कोई शूट करने को तैयार नहीं था। मैंने कहा ये आदमी यार, इसकी हिम्मत देखो कि ये आदमी बॉम्बे में शूट कर रहा है, और बल्कि आप भी कहीं पे भी शूट कर सकते थे, आपकी फिल्म का बजट था, सब कुछ था, लेकिन मैंने कहा यार इनकी हिम्मत देखो, ये बॉम्बे में शूट कर रहा है। तो ये तीन चार चीजों का जो मिश्रण था तो वो बहुत अच्छा लगा। पहला था कि आप बहुत ही पॉजिटिव लगे, दूसरा था मेरा रोल मुझे बहुत पसंद आया, तीसरा था कि आप बॉम्बे में शूट कर रहे थे। और जब मैं मुंबई पहुंचा, जब आपसे मुलाकात हुई, जो आपका काम करने का स्टाइल और जो जिस तरह से आप काम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद आया। तो ये सारी चीजें उसके बाद ही हमारी दोस्ती हो गई सर। उसके बाद कितनी बातें हुई अपनी, कितनी मुलाकातें हुई, कितनी स्क्रिप्ट पे डिस्कशन हुआ है। और शायद मैंने कभी आपको उसके बाद नहीं बोला कि सर डेट्स नहीं है या ये नहीं है या वो नहीं है, कभी भी कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सर व्हेन यू वांट टू स्टार्ट, जब भी आपको स्टार्ट करना है करिए। तो वो होता है सर, कुछ लोगों के साथ हो जाती हैं ऐसी चीजें, वो आपके अंदर, और आई थिंक वो सारा क्रेडिट आपको जाता है, जिस तरह के आप इंसान हो, जिस तरह से आप चीजें हैंडल करते हो, और आप आपको भी जाता है कि और जो अपने डायरेक्टर को, और जो शूट पे सर एटमॉस्फेयर रहता है ना आपके शूट पे, वो बड़ा पॉजिटिव रहता है। मतलब आप एक तो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, और जो भी शॉट होता है उसके सामने बैठते हैं और आप इतना गौर से देखते हैं ना शॉट को, और कहीं ना कहीं आप भी डायलॉग बोलने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि तू ये बोल यस यस इस तरह से बोल। तो वो चीजें मुझे, इतना पैशन है आपके अंदर इन चीजों का, आई रियली अप्रिशिएट सर। एंड मैं चाहता हूँ कि ये हमारी जो दोस्ती है दोस्त बने, लेकिन सबसे अच्छा रीजन है कि हमारा ये वर्क वाली दोस्ती नहीं है, मुझे आपके साथ काम करना है या मुझे आपके साथ। आई विल बी हैप्पी कि आप अगर दूसरे बड़े एक्टर्स के साथ भी काम कर रहे होगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, कि मैं चाहता हूँ कि आप ग्रो करें, साथ में ग्रो करें सर। थैंक यू शावर भाई, थैंक यू सो मच। मैं चाहता हूँ शतरंज फिल्म में हम लोगों ने अप्रोक्स करीब एक हफ्ते का शूट किया था साथ में। जी सर, तो जी सर। आपका सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा लगा आपको? सर एक्चुअली जब आपने फिल्म सिटी के अंदर शूट कर रहे थे और जो अपना कार के अंदर जो कैमरा लगा हुआ था पूरा, तो फिर आपने बोला था आप ये डायलॉग बोलते चले जाइए और वो एक राउंड लेके आप आ जाइए, क्योंकि उसमें कार में लाइट्स वाइट्स इतनी सारी चीजें थी, जगह नहीं थी बैठने की, वो रिंग लगी हुई थी। और तो अभी तक मुझे नहीं पता कि एक्चुअली वो, आप मुझे बताओ कि क्या हुआ, क्योंकि मैं बाद में बड़ा, मुझे हंसी भी आ रही थी, खैर मैं कुछ भी बोलता हुआ चला गया, वापस आ गया, कोई कट करने वाला नहीं था, कुछ भी नहीं था, और लंबी ड्राइव ले ली हमने। I know, it's a round लेके आए। And again we will do the second part shoot in the Mud Island। हम लोगों ने वो कार वाला। Correct। And I hope कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और इनफैक्ट जो आर्टिस्ट के साथ में आप हैं, हितेन तेजवानी हैं, हेमंत पांडे हैं, इन लोगों ने बहुत, ब्रूना ने तो मतलब जान डाल दी गाने में, दलेर पाजी ने बहुत शानदार, दलेर पाजी ने बहुत बहुत अच्छा गाना गाया दलेर पाजी। हम लोगों ने इतनी मेहनत की है तो ईश्वर जरूर हमें अपनी आशीर्वाद से नवाजेगा। शावर भाई एक छोटा सा मैंने रैपिड फायर राउंड रखा है आपके लिए, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डायरेक्टर ऑफ शावर अली। सर राजीव राय। राजीव राय, उनकी फिल्म मुझे, मैंने भी उनकी अधिकांश फिल्में देखी, मुझे गुप्त बहुत अच्छी लगी फिल्म। आपको कौन सी फिल्म अच्छी लगी राजीव राय की? सर मुझे त्रिदेव बहुत पसंद है। त्रिदेव, कॉलेज के टाइम पे तो इतना ओए ओए करा था, ओए 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 ओ वाह। थ्रिलर और सस्पेंस से मुझे लगता है राजीव राय जैसे डायरेक्टर आज तक आए नहीं इंडस्ट्री, जहां तक मेरा अपना। ही इज आल्सो लाइक यू सर, वो कभी किसी पे चिल्लाएंगे नहीं, सबका खाने का ख्याल, इसका ख्याल। देखिए एक्टर इज वेरी सेंसिटिव सर, एक्टर छोटी छोटी चीजें मांगता है, अगर आप उसको दे देना तो बड़ा खुश हो जाता है, लेकिन राजीव उन सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, आप उन चीजों का ख्याल रखते हैं, तो ये एक थोड़ा सी चीजें होती हैं सर। और मेरा जो साउथ का एक डायरेक्टर है पुरी जगन्नाथ, वो भी मुझे बहुत पसंद है। यस यस, उसके साथ भी मैंने चार पिक्चरें करी हैं, तो ही इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट्स। शावर अली के सबसे फेवरेट कंपोजर? म्यूजिक डायरेक्टर सर आई थिंक डब्बू मलिक ने जो हमारी फिल्मों को, मेरी फिल्म का गाना दिया था, जो पिक्चर थी हवस, उसके गाने आज भी, तो डब्बू वो अच्छा दोस्त है। उस जमाने में अरमान मलिक ने सन वाज चाइल्ड आई यूज्ड टू गो टू हिज हाउस, तो बड़े बच्चे अभी भी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन जो गाने सर अभी भी मैं सुनता हूँ, आप सुनिएगा हवस के गाने, बहुत ही प्यारे गाने दिए सर उन्होंने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कमाल का है एक सुपर मॉडल के लिए। टेल मी समथिंग अबाउट योर वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फोटोग्राफर। अतुल खसबे का। वाओ यस सर, ही शॉट माय फर्स्ट पोर्टफोलियो
एंड आई हैव शॉट विद हिम लॉट ऑफ टाइम्स सर, उसके बाद मैंने बहुत शूट किया उनके साथ एंड ही इज अ गुड फ्रेंड अगेन। अतुल कास्बेकर से एक टाइम पे मॉडल्स को फोटो शूट कराने का ड्रीम रहता था कि अतुल कास्बेकर मेरा फर्स्ट पोर्टफोलियो उन्होंने शूट किया था एंड ही फिर दोस्ती हो गई हम दोनों की, वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स। अभी वो प्रोड्यूसर भी हो गए। आपके फेवरेट मॉडल मेल और फीमेल दोनों? सर मेल में अर्जुन रामपाल, दो तीन नाम लेना पड़ेंगे सर, अर्जुन रामपाल, राहुल देव। फीमेल में आपको याद होगा मधु सापरे हो गए, शीतल मलार हो गए, यस यस, आंचल कुमार हो गए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब दोस्त हैं सर, लड़ाई मत करवाई। अब एक लास्ट क्वेश्चन जी सर, शावर अली का एज एन आर्टिस्ट, एज एन ह्यूमन बीइंग, व्हाट इज योर नाउ द अपकमिंग ड्रीम, आपका सपना क्या है सखी? व्हाट यू वांट टू डू नाउ, व्हाट यू वांट टू बी? एक्टर का सपना क्या होता है, उसके काम को लोग अप्रिशिएट करें, और मेरा भी यही सपना है कि कुछ इस तरह के कैरेक्टर्स मिले कि जो अच्छा लगे, पब्लिक देखे तो बोले कि शावर भाई ने अच्छा काम किया। स्पेशली जो मेरे भोपाल की जो पब्लिक है जो मुझे बहुत पसंद करती है, बहुत प्यार करते हैं, तो कुछ इस तरह का रोल के जो बहुत ही ज्यादा उन लोगों को पसंद आए और अप्रिशिएट करें लोग। सर रोल्स आपने देखा होगा, स्कारफेस देखी सर आपने? Yes, अल पचीनो की इस तरह का कोई रोल मिले तो मैं आई थिंक, मुझे लगता है मैं इस तरह के रोल बहुत अच्छे से करूंगा सर। ऐसा कोई अगर ड्रीम प्रोजेक्ट मिले मुझे स्कारफेस में अल पचीनो का जो टोनी मंटाना था, वो रोल अगर मिले तो बहुत अच्छा रहेगा सर। और एक छोटा सा लम्हा और मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि शावर अली दोस्तों के दोस्त हैं, आपने एक फिल्म की अभी ब्लॉकबस्टर फिल्म राधे, ऐसे शख्स के साथ में जो कि इंडस्ट्री का भाईजान है, उनके साथ काम करना सबका सपना है आज की डेट में, साथ ही साथ वो पैंडेमिक में भी ही इज डूइंग लॉट फॉर द पीपल, जो जरूरतमंदों की मदद, बहुत बहुत बीइंग ह्यूमन, बहुत कर उनका जो है, ही इज डूइंग मैसिव वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, और एक बेलॉस और बिंदास इंसान। राधे का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? असल में सर मैं जब आपको बता, थोड़ा पीछे जाता हूं मैं इसमें, जब मैं बॉम्बे जा रहा था तो मैं ट्रेन के अंदर बैठा हुआ था, तो सोच रहा था चीजें बहुत, क्योंकि नींद तो आ नहीं रही थी, टेंशन था, बॉम्बे जा रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं सोच रहा था मुझे अमिताभ बच्चन साहब के साथ, शाहरुख खान के साथ और सलमान खान, ये तीन लोगों के साथ मुझे अगर काम करने का मौका, अगर एक एक सीन भी मिल गया तो मैं बड़ा खुश होकर वापस आऊंगा। तो मेरे बच्चन साहब के साथ भी हो गया और शाहरुख भाई के साथ भी ओम शांति ओम में करा सर, उसके बाद मुझे सलमान भाई मिल गया, यार ये तो लगता है सपना पूरा नहीं होने वाला। और जबकि मैं सबसे ज्यादा अच्छे से जिसको जानता हूँ तीनों में, मैं सलमान भाई को जानता हूँ बहुत करीब से, बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनके पास बहुत सारे बार लंच किया है, डिनर किया है, उनके साथ बैठा हूँ मैं बहुत बार, लेकिन वो कुछ सिचुएशन ही ऐसी हो रही थी कि काम नहीं हो पा रहा था। इस बार कॉल आया सर, मैंने स्टोरी नहीं सुनी, कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला कि क्या है, किस तरह का रोल है, क्या है, कुछ नहीं पता था मुझे, मैं सीधा जाके सेट पर बैठ गया था। बहुत बहुत जबरदस्त आदमी है सर, ही इज वेरी वेरी नाइस पर्सन, और बहुत ही अपने जो एक्टर्स होते हैं उनका बहुत ही ख्याल रखते हैं वो लोग, और जो इतना उन्होंने कोरोना के टाइम पे जितना किया है, आई थिंक लोगों को पता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं क्योंकि आप भी उसी से चीज से जुड़े हुए हैं। बंद मुट्ठी किया हुआ जो मदद होती है ना, वही ऊपर वाले के खाते में लिखी जाती है, आप शोर शराबा जितना करेंगे वो आपके अकाउंट में नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर उनके साथ काम करने का। एक बड़ी पिक्चर थी, बड़े लोग थे, सारे डायरेक्टर बड़े थे, तो बड़ा मजा आया सर काम करने, गुड गुड एक्सपीरियंस सर। और इतने मुझे नहीं पता था इतने सारे लोगों ने, पूरी दुनिया ने पिक्चर देख ली सर, इतने कॉल्स आए, इतने फोन्स आए। चलो मैंने कहा इज हैविंग अ ह्यूज ह्यूज फैन फॉलोइंग, यू नो। करेक्ट 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 सर, करेक्ट सर, आई नो। सो अब एक खान और बचे हुए हैं, आमिर खान सर, आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और मैं जी जी आप भी एज एन मॉडल, एज एन आर्टिस्ट, यू आर टोटली परफेक्शनिस्ट, आप अपने लुक पे, आप अपने स्टाइल पे, आप अपने उस पे बहुत, मैंने आपको डीपली काम करते हुए देखा है, बहुत कम आर्टिस्टों को, हालांकि मैंने बहुत ज्यादा स्टार से काम नहीं किया है, लेकिन मैंने जितनों को भी देखा है तो यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन ऑल ऑफ देम, की अपनी हर चीज पे बहुत डीपली काम करना। तो अभी आमिर खान साहब बचे हैं, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि आने वाले समय में ये दो जो परफेक्शनिस्ट हैं, एक परफेक्ट विलेन जो कि विलेन मशहूर हो चुका है, और एक ऐसा परफेक्शनिस्ट जिसके काम के दीवाने हैं लोग, तो इन दोनों की जोड़ी हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल सर, आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, उनके काम मुझे बहुत पसंद है, जिस तरह से वो स्क्रिप्ट चूज करते हैं और जो चुनते हैं वो बहुत अच्छी है उनकी, तो मैं डेफिनेटली आई विल बी मोर देन हैप्पी सर अगर मुझे काम करने का उनके साथ चांस मिलेगा तो, डेफिनेटली। ग्रेट। अब मुझे एक आप दिल से बताइए,
जी सर। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, हॉलीवुड, चाइना भी मान लीजिए, कोरिया भी मान लीजिए, इंडियन भी मान लीजिए, आपका ड्रीम किस डायरेक्टर के साथ काम करने का, कि आप उसके साथ काम करना चाहते हो? सर आई रियली लाइक इम्तियाज अली, रोमांस का बादशाह। हाँ मुझे वो एक इंसान भी बहुत अच्छे हैं सर, वो यस इंसान भी बहुत अच्छे हैं और मैं उनके साथ जरूर चाहूंगा कि मैं काम करूं। साउथ में मुझे राजमौली बहुत पसंद है, उनके साथ काम करना मुझे। राजमौली, यस 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 जी यस राजमौली, यस, ही इज मेकिंग अनदर हिस्ट्री। मैं मुझे नहीं लगता कि अभी कोई उनको आसपास छू पाएंगे आसपास के समय, हालांकि शिखर हमेशा खाली रहता है, तो कोई ना कोई तो दूसरा राजामौली आएगा, लेकिन अभी तो दूर दूर तक कोई दिखता नहीं है हम लोग। ही इज नंबर वन सर इन इंडिया। अच्छा श्यामल, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत परफेक्शनिस्ट हैं, और एक लुक में आपका एक अलग ही जेस्चर है जो बहुत पॉजिटिव है। तो ऐसा पॉजिटिव इंसान एज एन एक्टर, जब हम अधिकांश आपको विलेन के रूप में देखते हैं, तो क्या कभी इस एक्टर का मन नहीं करता कि मैं एज हीरो कोई फिल्म करूं? सर एंड ऑफ द डे ऑडियंस आपको किसमें पसंद करती है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या करना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आप तो बहुत कुछ करना चाहते हो, मैं तो सुपर हीरो बनना चाहता हूँ, ये बनना चाहता हूँ, वो नहीं है। ऑडियंस आपको किस चीज में लाइक करती है, बिकॉज आई हैव डन द मूवीज एज ए हीरो ऑल्सो, मैंने गाने भी गाए हैं, ये रोमांस भी किया है, लेकिन जो मुझे अप्रिशिएट हुआ मेरा काम वो जितना नेगेटिव रोल्स में हुआ है सर, वो जब आपको रिस्पॉन्स मिलता है जिस चीज में आपको ऑडियंस पसंद कर रही है, आई थिंक आपको वही करना चाहिए सर। Absolutely. तो उनके हिसाब से काम करना चाहिए और मुझे भी मजा आता है सर। एक्चुअली एक्टर हैं सर, एक्टर को आप तो एक्टिंग करवाओ, अपना तो मानना है। आई वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा और मेरे डायरेक्टर बोले ये करो, मैं वो करना चाहता हूँ। आपने देश में भी काम किया है, आपने विदेश में भी काम किया है, आपने ऑलमोस्ट एक ग्लोबली डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के साथ काम किया है। एज एन आर्टिस्ट आपको किस जगह पे काम करना बहुत शानदार लगा, एंड यू आर एडमायर ऑफ देम कि वाह यार ये होता है, आपको कहां का सबसे ज्यादा परफेक्शन लगा? मतलब किस यूनिट के साथ या प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने का, जगह के साथ? आई एम आस्किंग अबाउट द यूनिट के साथ, कि जो एक जेस्चर होता है कि आप जब गए तो वाह यहाँ का सिस्टम, यहाँ का नियम, यहाँ के प्रिंसिपल्स मुझे बहुत अच्छे लगे एज एन आर्टिस्ट, और ऐसा होना चाहिए। सर मुझे मेरा पहला एक्सपीरियंस ही एक धमाल था, स्विट्जरलैंड में शूट था, राजीव राय का प्रोडक्शन था, और जहाँ पे हम एक जगह है लुकार्नो, स्विट्जरलैंड में लुकार्नो है, जहाँ पे फिल्म फेस्टिवल भी होता है लुकार्नो फिल्म फेस्टिवल। तो मुझे वो जगह, वो टाउन, वो होटल, वो प्रोडक्शन हाउस, वो डायरेक्टर, वो एक्टर्स, सब नंबर वन थे सर। तो मेरा पहला ही एक्सपीरियंस अभी तक का सबसे अच्छा एक्सपीरियंस। उसके बाद मुझे शाहरुख खान साहब के प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैंने अभी तक जिन एक्टर्स के साथ काम किया है सर, वो एक ऐसा बंदा है कि जिस सीन में वो हैं और उनके साथ जितने लोग हैं, जब तक सबके सीन अच्छे नहीं हो जाते वो शॉट को ओके नहीं बोलते, और उनका हमेशा सीन अच्छा होता है, और वो एक्टर्स को जाके बताते हैं कि शावर ऐसा कर अच्छा लगेगा। तो जब आप कोई आपका इतना बड़ा एक्टर आपके कंधे पे हाथ रखे और समझाए आपको, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाता है। या अगर कोई वही अगर एक्टर अगर आपको बोल दे कि क्या कर रहा है यार तू, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, तो आपका मॉरल डाउन हो जाएगा सर, आप एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो एक बंदा है सर कि जब तक कि वो उनको नहीं चाहिए जो वो चाहते हैं, तो वो लगे रहेंगे और बहुत मोहब्बत से प्यार से काम करवाते हैं सर। दोस्तों आपने देखा शावर अली को, दोस्तों के दोस्त, एक बहुत शानदार मॉडल, एक बहुत ही अद्भुत कलाकार, एक एनर्जी से भरपूर शख्स। हमारी विशेष, हमारी दुआएं, हमारी प्रेयर्स इनके लिए। और दोस्तों आपने भी आज एक शख्सियत के, एक सेलिब्रिटी के जिंदगी कुछ अनछुए पहलुओं को छुआ, आपको जरूर ये पसंद आए होंगे। आप मुझे इस शो को व्यक्तिगत रूप से इंस्टा पे दुष्यंत प्रताप सिंह, दुष्यंत कॉर्पोरेशन आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क पे इंक्लूडिंग IMDb, और शावर अली को भी आप उनके ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू शावर अली, आई होप बहुत जल्दी हम लोग दोस्तों फिर मुलाकात होगी आप सबसे एक और ऐसे ही शो में एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।